नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। खबर एटा से है। डीएम डॉक्टर विभा चहल ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में गरीब कन्याओं वरों की शादी एक ही मंडप में कराने का प्रदेश सरकार का निर्णय काफी सराहनीय है। इससे जनपद के प्रत्येक पात्र जोड़े को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से खर्च किए जाने का प्रावधान है। गायत्री शक्तिपीठ के आचार्य एवं उनकी पूरी टीम ने हिंदू वर वधु को हवन कुंड के सामने मंत्र उच्चारण करके परंपरागत ढंग विधि विधान से सामूहिक विवाह कार्यक्रम को संपन्न कराया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान 120 हिंदू जोड़े एवं 4 मुस्लिम जोड़े की शादी कराई गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजय प्रकाश, क्षेत्राधिकारी राजकुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर अलंकार अग्निहोत्री, DDO SN सिंह कुशवाहा, समाज कल्याण अधिकारी रश्मि यादव, DPO संजय सिंह, समस्त खंड विकास अधिकारी, अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।